Go? Okay. Nice to meet you. Thank you. Khudafiz. ये देखो ये चोरी के लिए हम लेकर जाते पाकिस्तान में चोरियां करा कर अब तेरी क्या अब बंदा भूल के बेगम की सलवार पाया क्या कर रहा है वो भूल के बेगम की सलवार पाया है हमारी बातचीत बहुत अच्छी हो रही थी तो अभी यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है अभी यहाँ पर साइड पे जहाँ कहीं टाइम मिलता तो वहाँ पर बैठते हैं बैठ के कोई गपशप करते हैं ये सामने ख्वाजा पुल का सीन देखे और रात का टाइम है तो काफ़ी लेवल का बना हुआ है जी ये साइडों पर लाइटें वगैरह लगी हुई हैं और सेंटर में आप चल सकते हैं उन लोगों ने बहुत VIP माहौल बनाया जी ये देखिएगा साइडों पर लाइटें लगाई हुई हैं और अभी लाइटें रोशन हो चुकी हैं तो रोशन होने के साथ साथ इसको ये खूबसूरती जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो भाई साहब बातें करते हुए आ रहे हैं जी तो इसमें पता नहीं मेरा फेस किस तरह का आ रहा होगा क्योंकि मैंने वाइड एंगल नहीं स्टार्ट किया तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जी आगे क्या क्या सीन है और सो फाइनली जी इनके साथ हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई तो भाई साहब ने भी अपनी इनसे बातें की और अभी वो जाने लगी हैं गो ओके Nice to meet you. Thank you. खुदाफिज। सो जी अभी उनसे उनके साथ हमारी दुआ सलाम हो गई है वो अभी जा रहे हैं जी अपनी यूनिवर्सिटी और अभी हम जा रहे हैं जी वापस अपने होम पे आप लोग ये देख सकते हैं सामने वाला सीन और ये पीछे वाला सीन काफ़ी बेहतरीन है और अभी हम जा रहे हैं जी वापस तो सफदर भाई से पूछते हैं इसके अलावा हमारा और कोई सीन है या नहीं अगर तो अभी क्या सीन है यार फिलहाल तो कोई नहीं है लेकिन इंशाल्लाह आगे का प्लान काफी हैवी होने वाला कुछ खाते हैं यार भूख भी काफी लगी हुई है वहाँ पे हमने चिप्स वगैरह खाई थी और कुछ भी नहीं खाया तो देखते हैं डिसाइड करते हैं हमने क्या बनाना है और क्या खाना है तो लेट्स गो सो जी उस पुल से हम वापस आ रहे हैं और अभी हम एक मार्केट से होते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं इस मार्केट के अंदर भी VIP लेवल का माहौल बना हुआ है कि यहाँ पे लोग खरीदो फरोख्त के लिए आए हुए हैं और सदर भाई भी साथ जा रहे हैं यार सर्दी काफ़ी है तो इस वजह से ना थोड़ी सी हवा टाइट हो गई है तो इस वजह से अभी चलते हैं जी शुगर मेला खूब करने का दिल है लेकिन सर्दी की वजह से ना यू आर सिंगर सिंगर ओके ओके थैंक यू सो मच सो जी उनको इंग्लिश नहीं आती और तो इसलिए भाई साहब ने उनसे पूछा था लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आ रही तो यहाँ से होते हुए आगे की तरफ चलते हैं जी रास्ते में लोग देख के मुस्कुराते हैं और काफ़ी मज़ा आता है जी इन लोगों से मिल जुल के यहाँ पर ये सामने वाली प्लेस देखें आप यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ हाय ये सामने सीन चेक करें जी साइडों में पौधे और मार्केट के अंदर ये जी एक नाला नाले के ऊपर उन लोगों ने साइन बनाए हुए हैं और साइडों पे जो है वो पौधे शौधे हैं जी तो काफ़ी बेहतरीन माहौल बनाया हुआ है जी उन लोगों ने स्ट्रीट का सो अभी आगे की तरफ चल रहे हैं जी और आप लोगों को दिखाते जाएंगे यहाँ पे जो जो आप लोगों को दिखने को मिलेगा यार इस सारा दिन बोरियत में गुजर गया आज तो हमने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया तो बस निकले थे व्लॉग बनाने के लिए लेकिन ना कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से ना दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को तो फिर हम निकले थे नक्शे जहाँ की तरफ तो वहाँ पर हमें वो दो लड़कियाँ मिल गई उनके साथ हमारी काफ़ी बातचीत हुई पहले मेरी बातचीत होती रही है तो मेरे अकेले का दिल नहीं कर रहा था कि मैं बात करूँ फिर मैंने भाई को बुलाया भाई साहब नॉन स्टॉप क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप ना हैरान हो जाएंगे अगर मैं इसके सारे मतलब के क्वेश्चन जो जो इन लोगों ने इनने उनसे पूछे हैं अगर मैं वो सारे सीन अगर इसके अंदर डालता ना व्लॉग के तो ये व्लॉग काफी लेंथी हो जाना था तो फिर आप लोग कहते यार इतना लेंथी व्लॉग कोई भाई साहब अगर तुम मेरे सारे सवाल डालो ना तो कम से कम जितनी देर हम बैठे रहे उनसे बातचीत 2 से 3 घंटे का व्लॉग होगा तुम्हारा एक भाई व्लॉग काफी लंबा हो जाना था तो फिर आप लोगों ने भाई सफदर को गालियां निकालनी थी क्योंकि इनके ना क्वेश्चन पूछने का कुछ अंदाज इस तरह का था आप लोग सोच भी नहीं सकते उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया उन्होंने इसके जो सवाल आते ये भाई उनसे पूछ रहा था
तो उन लोगों ने काफी इंजॉय किया क्योंकि इनके सवाल इस तरह के होते हैं, अभी जवानी का जुनून है तो आप सोच सकते हैं कि भाई के क्वेश्चन किस तरह के होंगे। भाई साहब ने बहुत क्वेश्चन पूछे लेकिन उनको कुछ मसलन के कुछ जो क्वेश्चन थे उनकी समझ आई और कुछ की नहीं आई, उनका लेवल अप हो गया होगा। तो भाई साहब ने उन लोगों को इतने मसलन के बहुत नोटी भी किए हैं और अच्छे भी किए हैं, तो उन लोगों ने माइंड नहीं किया, तो काफी हमारी साथ उन लोगों अडल्ट कंटेंट है। और वैसे भी अच्छे यार नेचर क्या, वो भी 18 प्लस थे, हम भी 18 प्लस थे, और ख्यालात का इजहार होता क्योंकि मुझे आपने जितने हमारे व्लॉग्स देखे होंगे हर एक की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन इन लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं थे, तो ये सिंगल थी। तो भाई साहब ने चांस मारने की बहुत कोशिश की है। ना चांस ना वो कहती हमने बनाने भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने उनसे बातचीत की कि खैर है तुम। तो भाई साहब ने मसलन के चांस मारने की फुल कोशिश की, लेकिन भाई बदबख्ती है भाई की के वो तो बात बख्ती है भाई की कि उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं एक छोटा सा मजाक कर रहा हूँ आप लोगों से कि हमारा इस तरह का कोई प्लान नहीं था, जस्ट आप लोगों के साथ ना कुछ शुगर लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई बेगानी कंट्री में आए, यहाँ पर थोड़ा उल्टा सीधा हो जाए तो मसला ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से हम लोगों ने उस तरह की कोई भी हरकत नहीं की जिस वजह से हमारे मुल्क का नाम ख़राब हो या कोई मसला इस तरह का हो। लेकिन ये है कि फ़न हमारे व्लॉग में आना ज़रूरी है, फ़न की वजह से लोग इंटरटेन होते हैं और हम भी थोड़ा सा इंटरटेन लोगों को इंटरटेन करते हैं, तो इससे हमारा भी फ़ायदा हो जाता है और लोग भी खुश हो जाते हैं। तो अगर इस तरह का सीन होता रहे तो आप लोग भी खुशी से देखेंगे व्लॉग हमारे। तो जो भाई साहब बैड कमेंट करते हैं तो उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई जान बैड कमेंट करने से पहले भाई साहब की टोर देख लें, भाई साहब की टोर देख लें कि भाई साहब का एंगल किस तरफ जा रहा है। भाई साहब आपका एंगल थोड़ा सा ढीला है, क्या मसला है? वो तो छोड़ है। भाई साहब की नजर देखो किधर जा रही थी यार, वो बहुत अच्छी चीज थी, वहां पर मैंने एक ड्रेसिंग देखी थी, सूट था बहुत ही कमाल का, तो भाई को मैं वो दिखा रहा था कि यार देखो, लेकिन भाई साहब तो कुछ और ही देखते हैं, ये कपड़े थोड़ी देखते भाई साहब जो चीज इसने दिखाई अगर मैं आप लोगों को दिखा देता ना तो आप हंस हंस के पागल हो जाते, तो इस भाई साहब की चॉइस बहुत डिफरेंट है। सूट थे काफी किस फैशन लेवल, फैशन सेंस मेरी बहुत अच्छी है ना, कितनी अच्छी है, नेक्स्ट लेवल की फैशन सेंस है, तो मैं अपने फिर फैशन के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। ना कर यार काके। हाँ काके मान ले, काके काके तो झूठ बोलता है, काके ये देख ले तू खुद से देख ले। भाई साहब आप ना जब पैदल चलते हो ना तो पीछे से आपको देखने लायक होते हैं आप। भाई साहब अपना अपना स्टाइल होता है। कैसा स्टाइल है? ये मेरा स्टाइल है। ये फिल्म कौन सी लगी हुई है? सैनमा मिमिक्री फिल्म नहीं है यहाँ पर भाई, सैनमे भी है। क्या कह रहा है? ओ भुल के बेगम दी शलवार पाया है। ओ इत्थे भाई जान शलवारा नहीं पानिया सोनिया, बंदे ने पाई हुई सी एडी खुली, जिदा पाकिस्तान दे च नहीं ओ पजामे पाए। नहीं यार पुरानी फिल्मों में अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन की होती थी इस तरह की। नहीं नहीं शरारे और गरारे गुरूरे इस तरह की लड़कियां पाकिस्तान में पहनती है। हाँ। तो ये उस टाइप की लड़के ने शलवार पहनी थी। यार ये बंदा भाई कोई भी चांस नहीं छोड़ता, कोई भी उसको चांस मिल जाता ना तो। आप लोगों ने पहले हमारा एक व्लॉग देखा होगा जिसमें ये भाई साहब मिठाइयाँ चेक कर करके ना उनसे पूछते हैं इसका रेट क्या है, फिर बाद में कह देते हैं जी इतना मीठा है मुझे तो शुगर हो जानी है, मैं तो इतना मीठा खाता नहीं, तो वहाँ से निकल आते हैं जी, तो इसलिए मेरे साथ रहते हैं। बाद कहीं ये फंस वस जाते हैं ना तो फिर मुझे निकालना पड़ता है, भाई को जान छुड़ानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, भाई को जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। एक दफ़ा ना आइसक्रीम भाई ने ली और उन लोगों ने घेर लिया इसको, तो ये दो तीन चम्मच लेके ना खा गया, उन्होंने कहा भाई आपने लेनी नहीं थी तो आपने इतनी चेक क्यों की, बाद में भाई को जान छुड़ानी मुश्किल होगी, फिर मैं जाके उधर ना गया हूं तो भाई को। तो आप लोग व्लॉग देखना और फैसला कर लेना किसने क्या किया। मैं ये व्लॉग आप लोगों ने पहले देखा होगा यार, एक चोरी के लिए क्या चोरी वाले क्या थे वो पाकिस्तान में चोरी करने के लिए आते होते। हाँ ये आंखें ये देखो ये देखो ये चोरी के लिए हम लेकर जाते पाकिस्तान में चोरियां करा करेंगे। अब तेरी क्या सही है, यूट्यूब को गोली मारो यहाँ से पैसे कमाओ चोरियों से, चोरियां क्या करेंगे आप पाकिस्तान में। देख तो सही कितनी प्यारी कैब थी भाई, जब कोई पहचान जाए तो कहना। हाँ सही बात है,
जी तो वाकई भाई वो चोरों वाले जो चोर मुंह पे डाल के आते हैं फिल्मों में अक्सर देखा, हकीकत में तो मैंने भी नहीं देखा फिल्मों में, तो वो गुब्बारा भी मुंह पर डाल कर आ जाते बलून वो इंडियन फिल्मों में ज्यादा होता है वो बलून डाल कर आ जाते होते हैं, वो बलून यू नो बलून बलून होता है। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, बलून मींस साथी भाई जान। सीधी बात है, आजकल लोग बहुत फास्ट है यार, इतनी स्पीड में ना चलो आप, बच्चे इशारा देते होते हैं। इशारा क्या साथी मींस तू मेरा साथी मैं तेरा साथी वो वाला साथी, इशारा देते नहीं। ये हमारा सफर बहुत ठंडा हो चुका है जी, हमने काफी सफर किया, जो भी एक्टिविटी की आप लोगों के साथ शेयर की, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर बहुत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज।